Hi everyone, welcome back, welcome to the class. This is me, Abhi Arora, your maths educator. And guys, अगर आप इसे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, एक बार पहले मुझे चैट में बता देंगे सारे बच्चे। So बच्चों, I'm back with you with yet another session, जहाँ पर हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीक ही बोल दिया था कि देखो अब हम टर्म टू एकदम तेजी से करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब टर्म वन का एग्जाम खत्म हुआ बच्चे जब टर्म टू की तैयारी स्टार्ट करें और तब हम भी यही चीज करें। हम आगे जाना चाहते हैं, हम समझदार हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं कि हमारे एग्जाम्स टर्म टू के एग्जाम के लिए हमें से 2 महीना इनफ नहीं है, हमें और भी टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ से आज हम बच्चों टर्म टू की तैयारी के लिए फर्स्ट चैप्टर जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, बट सिंस सिलेबस रिड्यूस हो गया तो मैं रिड्यूस सिलेबस पे एक बार रिविजन के तौर पर ब्रीफली वापस इस चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। So we are starting with the new chapter, that's trigonometry. सारे बच्चे एक बार मेरे को चैट में बता दो पहले, तो तुम्हें मेरी आवाज आ रही है और सुन पा रहे हो क्या? मैं चेक कर लूंगा। मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है, पता इतना पसंद क्यों है चैप्टर मुझे, क्योंकि यार ये ऐसा चैप्टर है जो खुद की तो भले ही इतनी इंपॉर्टेंस ना हो लेकिन ये हर चैप्टर में टांग अटक है। हर चैप्टर में आप कोई चैप्टर तो आई थिंक आपने टर्म वन का सिलेबस देखा है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया होगा वहां ट्रिग्नोमेट्री आया, आपने लिमिट सॉल्व किया वहां ट्रिग्नोमेट्री आया, और आपने फंक्शंस पढ़ा वहां ट्रिग्नोमेट्री आया। तो ये चैप्टर जो है हर जगह इसका एप्लीकेशन है, हर जगह इसका यूज है। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका वेटेज भी उसी के अकॉर्डिंग है। वो तो चलो भला इस बार की सीबीएसई ने कुछ कुछ क्वेश्चन हटा दिए इसके, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दो और शेयर करो सबके साथ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया, ढोरा पीछे सबको बता दो और सब बच्चों को बोलो कि बढ़िया से नोट्स बना ले, बढ़िया से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो इसकी। कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट एग्जाम्पल हम करने की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हर बार, और बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एनसीक्यू केस स्टडी सब कुछ करने की हमारे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वाला स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मायसेल्फ गाइस, माय नेम इज रवि अरोड़ा, आई एम द मैथ्स एजुकेटर ओवर हियर। आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 6 इयर्स नाउ, आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एग्जाम्स व्हिच इंक्लूड जेईई ओलंपियाड सीबीएसई एग्जाम इंक्लूडिंग केजीपी। नाउ मेक श्योर बच्चों आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे भी जरूर फॉलो करें, सो दैट मैं कभी भी स्पेशल क्लास देता हूं या फिर कभी कोई क्विज कंडक्ट करता हूं वहां पे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, एंड साथ ही में स्टे इन टच सो दैट वी कैन स्टे अपडेटेड एज़ वेल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, मेक श्योर आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सारे क्लास की अपडेट्स एंड ऑल द क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाती है। और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चैप्टर में किसी भी चीज में तो आप आस्क द डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर अपलोड कर दो, वो हमारे डेटाबेस से मैच करके आपको इसका स्टेप बाय स्टेप हाई क्वालिटी वीडियो हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में उसका वीडियो सॉल्यूशन दे देगा आपको। यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू वांट एब्सोल्युटली फ्री, एंड कभी भी पूछ सकते हो आप इस पे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई देखो जो ऑफर है सीबीएसई का, जैसे आपको बोल ये सारे बच्चों की लास्ट डेट है बच्चों 12-18 मंथ का, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे साथ तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता है जी, ठीक है। और कॉम्बैट दे दो भाई, मैं हर बार बोलता हूँ इस संडे को भी कॉम्बैट हमने रखा है आप लोगों के लिए, स्पेशल एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग रखते हैं जिसमें 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलती है 30 questions in 60 minutes, फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, यू हैव टू अनलॉक इट यूजिंग माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड सबको पता ही है बच्चों, इट्स ABEE, मेरा नाम हो गया और 1 3, दैट्स माय रेफरल कोड। टेस्ट आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हो, ठीक है। And these are the few batches that we are going to start this week. 4 तारीख शुरू हो रहे हैं इसमें humanities, commerce, सारी streams के लिए नए नए batch start हो रहे हैं for both term one, term two exams. तो बच्चों आज इसमें enroll करो और फटाफट से अपनी school के exams की तैयारी में लग जाओ। चलिए ये start करें। तो हो तैयार कि नहीं तैयार? हाँ जी, हो तैयार कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री की मेंटेन रखनी है ना इस क्लास के बाद, मतलब कि 3-4 क्लास होने दो फिर मैं पक्का रखूंगा, मतलब कि वी कैन ट्राई ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, हम अगले फ्राइडे को डेफिनेटली मेंटी रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। मेरे को पता है बच्चों को बहुत मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, और अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो लास्ट टाइम भी मैं ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ एंड तब भी बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि अब समझ में और अच्छे से आएगा। और अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम मुझसे नहीं पढ़ा था
तो मेक श्योर पढ़ लेना ताकि आपको भी समझ में आए और आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से यूज कर पाओ उसको अपने एग्जाम्स के अंदर। तो हो जाए शुरू कि नहीं हो जाए शुरू, स्टार्ट करने। ये देखो अर्पण ने कितना अच्छा डाउट पूछा है। अर्पण कह रहा है कि सर टर्म टू के चैप्टर कब स्टार्ट होंगे, है ना? टर्म टू के चैप्टर में इसका जवाब नहीं दूंगा अर्पण, ठीक है, इसका बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को, आइए चलो लेकिन अगर मैंने मान लो इस पेन को घुमाया लेकिन एक पॉइंट फिक्स रख दिया है, एक पॉइंट फिक्स के अबाउट घुमा दे तो फिर ये एंगल है। और एग्जाम्पल ऐसे मैंने फिक्स रखा और ये ऐसे थोड़ी घुमा दिया अबाउट इट, तो हम बोलते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो हम उससे एंगल फॉर्म होता है, रोटेशन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब रोटेशन दो तरह से होता है, एक होता है घड़ी की डायरेक्शन में, है ना, घड़ी देखी तभी, है ना, आजकल डिजिटल आ गई पर एनालॉग देखियो मुझे बात समझ में। तो एक होता है घड़ी की डायरेक्शन में घूमना और एक होता है घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना। तो हम एंगल रोटेशन को दो डायरेक्शन देते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारे पास दो होती है, रोटेशन की ना दो डायरेक्शन होगी, कौन कौन सी, एक है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, और दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन, घड़ी चलती है देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये है घड़ी की डायरेक्शन और ये है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली डायरेक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट से लाइन के जिस इनिशियल पोजीशन से आपने स्टार्ट किया उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। जैसे कि पॉजिटिव एंगल है, इसकी इनिशियल साइड ये है, यहां पे ओ फिक्स है, ओ पे रख के घुमा दिया इसको, इस तरह घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया है। तो ये हो गई इनिशियल साइड, और ये कौन सी है जहां पर वो फाइनली घूमने के बाद पहुंच गया, वो उसकी टर्मिनल साइड है। अगर घड़ी की डायरेक्शन में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको डायरेक्शन बेसिकली इसलिए बताई, अगर वो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और अगर वो घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो हम नेगेटिव एंगल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल साइड, जहां से स्टार्ट किया है, जहां पर रुक गए हैं वो टर्मिनल साइड है, और बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स, ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल चीज, कुछ सोचना नहीं है इसमें ना, इजी। चलो आगे नेक्स्ट, अब देखो मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा था, सो बेसिकली दो तीन तरह के हम यहाँ पर हमारे कोर्स में मेजरमेंट ऑफ एंगल हम दो ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दो ही है, ठीक है। सो सबसे पहला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स क्लास फिफ्थ क्लास में जब हमने पहली बार एंगल सुना था तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या था कि डिग्री मेजरमेंट, है ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता, तो हुआ क्या, लोगों ने मेजर करना शुरू कर दिया एंगल्स को, लोगों ने कहा कि देखिए चक्का घुमा रहा है तो कितना घूम रहा है चक्का हमारा, तो जैसे कि ये व्हील है, ना व्हील बना दो, ये व्हील है, ये व्हील घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अब मान लो लोगों ने कहा कि यार हमें कितना तो पड़ेगा यार, किस स्पीड से घूम रहा है ना, कितना एंगल घूम रहा है, कितने देर में, तो लोगों ने कहा क्या गिने, तो लोगों ने कहा रेवोल्यूशन गिन लेते हैं कि उसने एक मिनट में इतने रेवोल्यूशन कर लिए। तो स्टार्टिंग में लोगों ने मेजरमेंट कैसे स्टार्ट किया, रेवोल्यूशन के साथ, गिन रहे थे कितना एक बार एक राउंड हो चुका है, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि एक राउंड तो बहुत बड़ा है, फिर लोगों ने उसको और बांट दिया, 1/4 राउंड तक ले गए, 1/4 राउंड को क्या बोला, 1/4 रेवोल्यूशन को क्या बोला, 1/4 रेवोल्यूशन को बोल दिया राइट एंगल, ये मेरे ख्याल से आपको बताइए राइट एंगल बोल दिया। अगर आपको पता हो तो क्लास 9th में आपने एक यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो वहां पर उसने कभी भी 90 डिग्री का जिक्र नहीं किया था, हमेशा वहां पर जो टर्म शेयर हुई थी वो हमेशा राइट एंगल की फॉर्म में ही हुई थी, है ना। सो यही सेम पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा राइट एंगल बता नहीं है, बहुत छोटा राइट एंगल, बहुत बड़ा राइट एंगल, तो फिर लोगों ने फर्दर कहा कि आप बांटते हैं उसको आगे, तो फिर लोगों ने कहा कि यार एक रेवोल्यूशन में काम करो, उसको चार हिस्सों में, उसको 360 पार्ट में बांट दो, तो लोगों ने कंप्लीट रेवोल्यूशन को इतना छोटा कर दिया कि इसके 360 पार्ट्स कर दिए, हर एक पार्ट का नाम डिग्री, हर एक पार्ट का नाम डिग्री। फिर लोगों ने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, डिग्री भी बहुत बड़ा है, मजा नहीं आ रहा।
फिर लोगों ने कहा चलो मजा नहीं आया कोई बात नहीं, फिर लोगों ने आगे डिग्री को हमने 60 मिनट कर दिया, ठीक है, इसको 60 मिनट्स, ठीक है, फर्दर उसका और तोड़ दिए, जैसे कि हम हर यूनिट को तोड़ते रहते ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर के अंदर, फिर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी करी। तो फिर हमने लोगों को कहा कि यार एक डिग्री में 60 मिनट ले लो और फिर उसको फर्दर ब्रेक कर दो, एक मिनट में 60 सेकंड्स ले लो, 60 सेकंड, ये है यूनिट्स ऑफ डिग्री मेजर, इसको नोट कर लो, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिग्री मेजरमेंट जो हमें पढ़ना। फिर मैं अगले नोट दिस डाउन, ठीक है, तो ये हमने पूरा डिग्री मेजरमेंट पढ़ लिया, इसके बाद हम दूसरी मेजरमेंट के ऊपर आने वाले हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, दिस इज द डिग्री मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, नोट कर लिया। फिर इसके बाद आया सर्कुलर सिस्टम, कौन आया, सर्कुलर सिस्टम, इसके अंदर हमने नया यूनिट पढ़ी रेडियंस, ठीक है, इसको हमने बोला सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या था, एक नई यूनिट लेके आए, नई यूनिट का नाम क्या रखा, रेडियन। अब रेडियन की डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना इस डेफिनेशन को। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास सर्कल है, हमने कहा सर्कल है, उसने कहा इसके अंदर एक आर रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दो, क्या कहा कि पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि इसी सर्कल के अंदर एक आर लेंथ का आर्क ड्रॉ कर दो, और उन्होंने कहा सर्कल ऐसा हो इसका रेडियस आर है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो इसका रेडियस हो, फिर कहा कि इसी सर्कल के ऊपर आर यूनिट लेंथ का आर्क ड्रॉ करो, कर दो भाई, हमने ड्रॉ कर दी आर यूनिट लेंथ की, हमने एक आर्क ड्रॉ कर, ठीक है। अब कुछ ऐसी आर्क बन गई ये आर्क लेंथ की, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना चीज को, अभी यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहा हूं, ये एक रेडियन की डेफिनेशन से हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ लेकर आएंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और उसके ऊपर हमने एक आर लेंथ की आर्क और लगा दी, ठीक है जी, तो ये जो पूरा एंगल बना इसको लोगों ने नाम दे दिया वन रेडियन, ऊपर सी लिखते हैं, वन सी मीन्स वन रेडियन, या फिर वन भी लिखोगे तो समझो जनरली एंगल रेडियन, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर जिसके अंदर अगर आपने आर लेंथ का आर्क ले लिया तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका नाम है वन रेडियन। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक यूनिट का सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर अगर आपने एक यूनिट की आर्क ले ली तो उसने जो एंगल बनाया वन रेडियन। अगर आपने कहा इस बार हम डेढ़ यूनिट का एक यूनिट के सर्कल लेकर आर्क को डेढ़ यूनिट कर दिया, ध्यान से रेडियस की लेंथ चेंज नहीं करी, आर्क की लेंथ चेंज कर दी, तो उसने वन एंड हाफ ले लिया। तो बेसिकली पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या, आर यूनिट सर्कल मतलब आर रेडियस का सर्कल ऑन आर आर्क, आर लेंथ आर क्रिएट्स वन, ठीक है। अब ध्यान देखना इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ ले जाए, यहां पर हम आ गए सभी को, वन रेडियन वाला फंडा क्लियर है, वन रेडियन वाला फंडा क्लियर है, ठीक है। अब इससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ लेकर आएंगे, ये प्रूफ जान देखो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन बाद में करते हैं, पहले एक प्रूफ देखते हैं, फिर मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बताता हूं। मैंने क्या बोला था, आर लेंथ आर आर वन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आर लेंथ के आर आर्क में एक यूनिट एक रेडियन बन रहा है, तो अगर एक यूनिट सर्कल मतलब सर्कल ले जिसकी रेडियस वन यूनिट है, ठीक है, अगर उस पर आर ले लेंगे आर लेंथ का ले लिया, तो क्या अगर मैंने सर्कल छोटा कर दिया लेकिन हमने आर उतना ही रखा है,
तो क्या हमारा आर लेंथ से हमें आर का ही रेडियन नहीं मिल जाए, रेडियन नहीं मिल जाए। तो अगर मुझे मान लो एन लेंथ के लिए निकालना है, एन लेंथ के लिए, तो अगर एक लेंथ ले ली, तो एक लेंथ ले ली, एक यूनिट लेंथ, मैंने इसको मैं एक यूनिट करता हूं, क्या वो वन बाय आर नहीं हो जाएगा? ध्यान देखना, आर में एक रेडियन निकाला, तो अगर मैं इसको कट करके छोटा करके वन कर दू तो क्या वन बाय आर नहीं हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? और उसके बाद अगर एन लेंथ का निकालना है तो एल बाय आर नहीं आ जाएगा थीटा। तो बेसिकली पढ़ना क्या है, आर यूनिट ने एक रेडियन निकाला, एक यूनिट ने वन बाय आर निकाला, एल यूनिट कितना निकालेगी, एल बाय आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मुला यहां से, ठीक है, क्लियर है? तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, अगर हमें थीटा एंगल चाहिए, थीटा एंगल निकालना है, तो वो कितना आता है, पूरा का पूरा इसकी लेंथ ऑफ आर अपॉन इट्स रेडियस, ठीक है जी, ये समझ में आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, पूरा क्लियर बबड़ी, ठीक है। अच्छा एक बार यूनिट का नॉलेज मिल गया, अगर हमें मान लो डिग्री से लेके रेडियन जाना है, या रेडियन से लेके डिग्री जाना है, यूनिट कन्वर्जन करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है। अच्छा अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है, थीटा हमने कंप्लीट टू अर्थ कंप्लीट रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, थीटा निकाल लें फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो उस टाइम आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई, और रेडियस कितना है आर, तो आपका थीटा कितना आ गया, 2 पाई, तो वन रेवोल्यूशन में 2 पाई, 360 इज इक्वल टू 2 पाई, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो एक डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, 360 से 2 पाई बन रहा है, एक डिग्री से 2 पाई बाय 360 बन जाएगा, या फिर पाई बाय 180, इसी तरह से एक रेडियन से 180 बाय पाई, एक रेडियन से 180 बाय पाई, ठीक है, दीज आर द यूनिट कन्वर्जन, तो नोट करिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, अगर एक डिग्री में पाई बाय 180 है, तो कितने भी डिग्री है, मान लो एक्स डिग्री है, तो एक्स पाई बाय 180, और अगर x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x इनटू 180 बाय पाई, तो बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक क्या है, रेडियन से डिग्री जाना चाहते हो, रेडियन से अगर डिग्री जानना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, और अगर डिग्री से रेडियन जाना चाहते हो, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई, डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाय 180, सिंपल, ठीक है, बोलो क्लियर है जी, हाँ, अरे बोलो क्लियर है, नोट कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई, पहला क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे होगा क्या, ट्राई आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 रेडियन इनटू रेडियन, इसको रेडियन से कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो, 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन। तो देखो हमें तो डिग्री से रेडियन का पता है, मिनट से रेडियन तो नहीं पता ना, तो सबसे पहला काम क्या है, सबको डिग्री में कन्वर्ट करो। सो वी कैन से 40 डिग्री 20 रेडियन, ठीक है, 40 डिग्री 20 रेडियन, दिस कैन बी रिटन एज 40 डिग्री, और 20 मिनट क्या करूं मैं, 20 मिनट से मैंने एक बताया था आपको, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट चेंज करने के लिए 20 बाय 60 डिग्री कर दो, ठीक है, तो 40 प्लस 1 बाय 3, ठीक है, आप चाहो तो फ्रैक्शन में कर सकते हो, चाहो डेसिमल में, तो फ्रैक्शन में कोई जाएगा, तो इसको जाएगा 120 1 बाय 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पैरेलल 180, तो रेडियन मेजरमेंट आ गया 120 1 बाय 3 पाई बाय 180, तो 121 पाई की वैल्यू 22 बाय 7 डाल, 7 से 21 इनटू 1, क्या सिंपलीफाई कर देंगे, सिंपलीफाई जितना हो सके कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, नो डाउट्स, इजी, क्लियर है जी, चले आगे, सिंपल है, कुछ बड़ी बात तो नहीं, कुछ मुश्किल तो नहीं, चलो आगे, ओके, चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री, चलो डिग्री को रेडियन उल्टा, सॉरी रेडियन को डिग्री उल्टा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सॉल्व एवरीवन, सॉल्व करो, ये तो हलवा है, थोड़ा हार्ड नहीं है, हार्ड है फर्स्ट क्लास में नहीं, अगली क्लास में पक्का हार्ड लेगा, अच्छा लेगा, ठीक है, अब ये वाला करो, रेडियन को डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में करो, 6 रेडियन को डिग्री में, कन्वर्ट दिस 6 रेडियन टू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय 5, 6 180 बाय, ठीक है, पाई को 22 बाय 7 दे दें, 6 180, अब ध्यान रखना इसको पाई वगैरह मत छोड़ देना, प्रॉपर वैल्यू निकालना, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करना और फिर सेकंड्स में भी करना, इतना सिंपलीफाई हो सके उतना करो इसको, तो पाई को लिखा 22 बाय 7, एक यहां पर ये 11 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 3 आएगा ऊपर और यहां आएगा 11, 7 3 का 21 इनटू 180 अपॉन 11, करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, करो मल्टीप्लाई करो, हाँ जी पूरा कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 8, 21 टू 18, 21 इंटू 18 कितना आएगा, 8 16 21 8 7 3 3 7 8 0 11 3 48 44 4, फिर 40, ठीक है, फिर 40, तो कितना हो गया 40 में आ जाएगा, फिर 3 3 43, ठीक है, और उसके बाद फर्दर उसको कन्वर्ट, 3 43, और फाइनली आपका बचा कितना, 7 बाय 11, अभी 7 बाय 11 को आप 7 बाय 11 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसको और सॉल्व कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको और करना, अभी ये मेरा मिनट चाहिए और फिर जो बच जाएगा और फिर सेकंड आएगा तब जाके हार मानना, उससे पहले हार नहीं मान सकते, बोलो समझ गए, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ठीक है, चले आगे, हाँ जी, अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, ठीक है, ये रैपिड फायर चलेगा, मैं जाता हूँ उस पर टेबल में कुछ वैल्यूज देने वालों, सारे बच्चे फटाफट आंसर करेंगे, तो सोचो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं
जो हमें टिप्स पे याद रहनी चाहिए, हमें बार बार मौका नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने लंबे लंबे आएंगे और हमारे पास तो टाइम नहीं होगा कि बैठ के हम डिग्री से यूनिट कन्वर्जन करें, डिग्री से रेडियन जाए, रेडियन से डिग्री जाए। और सेकेंडली आज की तारीख से अब हम यहाँ पर जितने भी डिस्कशन करेंगे आएंगे, जब भी आएगा मैं तो रेडियन में पढ़ाऊंगा और सारी बुक्स में रेडियन चलता है। तो कुछ वैल्यूज है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ डिग्री वैल्यू दिख रहा हूँ, आपने मुझे बतानी है उनकी रेडियन वैल्यू। ठीक है, टेबल बना लो और सारे मेरे साथ फिल करना शुरू कर दो। ठीक है, यहां पर मैं डिग्री लिखूंगा और यहां पर हम उसकी रेडियन लिखेंगे, आप मेरे को रेडियन वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 7.5, 15, 30, 45, 60, 90, 75, 105, 120, 150। चलो फटाफट सबकी वैल्यू झटपट। हाय सलोनी, गुड इवनिंग एंड गुड बच्चे, हाउ आर यू? हां जी, फटाफट फटाफट झटपट 7.5 की वैल्यू बताओ यार, कितनी है 7.5? 7.5 इन डिग्री, 7.5 इन सॉरी 7.5 इन रेडियंस, 7.5 इन रेडियंस। फटाफट 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 कितनी वैल्यूज है? 5, 5, 10 वैल्यू। फटाफट कन्वर्ट करने का उनको याद ही रखना है, ऐसा नहीं कभी करके भूल जाए। हाँ दोस्तों, हाय सपना, गुड इवनिंग बच्चे, 7.5 कन्वर्ट करेंगे। चलो जी करो, बहुत इजी हो यार तुम लोग तो। देखो ना, 7.5 इसको लिखो 15/2। कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन में आसान होती है। 7.5 इनटू 15/2 इनटू पाई बाय 180, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया? 180 से करोगे तो 12 और पाई बाय 20 ना जी, है ना जी, है ना जी। डायरेक्ट वैल्यूज करनी है यार, पाई बाय 24, अगला पाई बाय 12, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6, नहीं 5 पाई बाय 12। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 15 × 6 है 5 पाई बाय 7 पाई बाय, ये है 2 पाई बाय 5 पाई बाय 6। नोट कर लो सारी वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको नोट कर लो, काफी काम की वैल्यूज। नोट कर लो जी, चले आगे। फिर हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ, हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? हाँ दोस्तों, आई बैठ जाओ, मतलब कॉपी करोगे? कॉपी नहीं करना, मैं हर बच्चे को बोलूंगा ये खुद से सॉल्व करो, ये टेबल खुद से बनाओ यार, ये सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा? मैं आगे जाके हम साइन पाई बाय 3 निकालेंगे, हम साइन 2 पाई बाय 3 निकालेंगे। अगर हमें पाई बाय 3 ही नहीं पता तो सोचो हमारा कितना टाइम लग जाएगा। खुद सॉल्व करो, है ना, भले 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, खुद से करो और मुझे चैट में बताओ कि हाँ सर ये समझ में आ गया, क्योंकि यार ये बेस है। अगर सोचो हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे? समझते हो मेरी इस बात को कि नहीं समझते? ठीक है, समझते हो ना इस बात को? कर लिया, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, एक सर्कल है C1 और एक सर्कल है C2, सबटेंड इक्वल, सबटेंड एंगल 65 डिग्री। इसने कहा एक आर्क लेंथ L मान लिया, इसके अंदर भी आर्क लेंथ L है, क्यों? सेम लेंथ, इसकी L ने बनाया, क्या बनाया? 65 डिग्री एंगल बनाया, और इसकी आर्क ने बनाया 110 डिग्री। अच्छा रुको रुको, एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे पास आपके लिए। ठीक है, लेंथ L है, 65 डिग्री एंगल है, आर कितना होगा रेडियस इस सर्कल का? इस सर्कल का आर कितना होगा बच्चों? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी? आर लेंथ रेडियस आर, आर कितना होगा? रेडियस कितना होगा अगर लेंथ ऑफ आर्क इज L एंड एंगल इज 65 डिग्री? बोलो,
हाँ जी थीटा इक्वल टू एल बाय थीटा इक्वल टू एल बाय हमें चाहिए आर आर इज एल बाय थीटा एल अपॉन 65 डिग्री ये गलत है गलत एंगल जो होगा हमेशा रीड करना 65 को हमें कन्वर्ट करना है लेकिन हम यहाँ पर पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी क्यों नहीं करेंगे ठीक है तो बेसिकली क्या है एल 65 डिग्री और कन्वर्ट करना है अगर रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर तो सेम चीज यहां पर एल 110 पाई बाय 180 ये इसका एंगल इसकी इसका रेडियस का रेडियस का चाहिए रेशियो ऑफ रेडियस पहले वाले ने बनाया एल अपॉन 65 पाई 180 दूसरे वाले ने बनाया एल अपॉन 110 पाई 180 पाई 180 एल एल कैंसल आपका आंसर 110 अपॉन 65 5 से कैंसिल करो 22 अपॉन पाई 5 से कैंसिल किया यहां पर आ गया 30 चलो आगे बढ़ो व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस व्हील करो सॉल्व करो नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करो Solve the next question. ठीक है चलो a wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second? एक सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा एक सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा चलो एक व्हील है एक मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है एक सेकंड में एक मिनट में 360 रेवोल्यूशंस पहली बात उसको एक सेकंड में चाहिए एक सेकंड में 360 बाय 60 रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा 360 बाय 60 सिक्स रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन होता है सिक्स में टू सिक्स इंटू टू पाई रेडियन ट्वेल्व हो गया सर आंसर आ गया 12 ठीक है समझे इजी चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट In a circle of diameter 40 cm, the length of the chord is 20. Find the length of minor arc of the chord. Circle of diameter 40. ठीक है? और length of chord है 20. 20. ठीक है? और diameter 40 है. मतलब radius कितना हो गया? 20. 20. अरे अरे. ये triangle भी देखा वाला था क्या? देखा वाला क्या? देखो. 60 डिग्री लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हमें डिग्री दिखता ही नहीं है डिग्री चुप जाता है हमारे सामने हमें क्या दिखता है पाई बाय थ्री ठीक है तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड तो आपको एल चाहिए एल इज थीटा वर्ग ठीक है एल आ गया आर थीटा सॉरी आर थीटा आर कितना हो जाएगा आर 20 दे रखा है थीटा पाई बाय थ्री सॉरी ठीक है कितना आ गया है देख लो 20 पाई बाय थ्री ठीक है ठीक है जी क्लियर है चलो नेक्स्ट इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर दो सर्कल हैं आर्क सेम लेंथ की है एक ने 60 डिग्री बनाया एक ने 75 डिग्री बनाया
एल एल सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस. सो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, आर इज एल बाय थीटा. तो आर वन अपॉन आर टू इसका आ जाएगा एल वन बाय थीटा वन डिवाइड बाय एल टू बाय थीटा टू. जो सेम क्वेश्चन किया था हमें पता है, कन्वर्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा. बेसिकली हमारा आंसर आता है 75/16. पांच से कर दो कैंसिल, ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 12. ठीक है, अब आप तीन से कर दो कैंसिल, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 5/4. आपका आंसर 5/4 इज द राइट आंसर. ये भी हो गया. ठीक है, चलो आगे. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ इतना. मतलब बेसिकली क्या है, एक पेंडुलम है वो ऐसे घूम रही है, घंटा ऐसे घूम रही है. ठीक है, तो वो क्या रहा है, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length matlab r de diya humko 75 and the tip describes an arc of length 10 cm. r diya hai 10 cm, that is l. theek hai, pehle ke liye theta equal to l by 10 by 75 first, second agle mein likhe 15, थीटा इज 15/75 और थर्ड अगले में एल ले दिया 21, थीटा इज 21/75. सॉल्व करें. ठीक है, एल दे रखा है आर कंफर्म. ठीक है, क्लियर है. That was all in today's session. I hope आपको समझ में आ गया. काफी simple simple topic पढ़ाया बच्चों मैंने आज. ठीक है, we have gone through the entire trigonometry का angle वाला part, जहाँ पर हमने angle measurement, unit measurement सीखे, कैसे convert करते हैं एक angle को दूसरे measurements में, दूसरे को पहले में, degree के बारे में पढ़ा, radian के बारे में पढ़ा, फिर बहुत important formula theta equal to L by R पढ़ा. ठीक है, so that was all for the session guys. Make sure आप Unacademy की app को जरूर download करें, to get in touch with me, to get in touch with all the educators, to get in स्पेशल क्लासेस है ना, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं. स्पेशल क्लास में अटेंड कर सकते हो आप लोग, फ्री क्लास ले सकते हो आप, प्लस का सब्सक्रिप्शन लो हमारे साथ आगे. पूरा एक स्ट्रक्चर डे में जो कोर्स बना रखे हैं हम लोगों ने आप लोगों के लिए, वो सब प्रिपेयर करो. ठीक है, तो आपको उसमें करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर देना है, डिटेल्स डाल देनी है. ठीक है, एंड अगर आप हमारे साथ प्लस पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको ये सारे अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस अपने घर बैठे बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस, टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका, रैपिड डॉट लर्निंग सेशन, पूरा कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच फॉर्म में पढ़ने का मौका, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स, ऑल दैट एट जस्ट द कॉस्ट. अगर आप लेट्स से 18 मंथ्स का लेते हो, ठीक है, आप 11th में, तो आप 18 मंथ्स का ले सकते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 20,000 रुपीज. एंड अगेन यूज माई रेफरल कोड, दैट्स AB110, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपकी फाइनल प्राइसिंग 18,000 हो जाएगी. ठीक है, अगर आप चाहो तो आपको चाहिए पर्सनल अटेंशन, आपको चाहिए कोई आपको हर लेवल पे हर स्टेज पे गाइड करता रहे, आपको समझाता रहे कि कोई चीज कैसे पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो कैसे फोकस करना है उसके ऊपर और ज्यादा, तो बच्चों हमारे आइकॉनिक में कुछ पर्सनल मेंटर्स हैं जो आपको और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. वो आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं, आपके आपसे पूरा डिस्कशन करते रहते हैं, आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है, और प्लस हमारे सारे बेनिफिट्स हैं. उसकी प्राइसिंग बच्चों For 18 months, it's 35,000. And again, use my referral code AVEE10. तो आपको मिलता है 10% discount. तो आपको discount भी मिल जाएगा, और अभी offer भी चल रहा है, तो last date उसके 4 months extra आपको मिलते हैं उसके ऊपर. ठीक है? And आप app इसमें आपको बताया, आप app के free features भी unlock कर सकते हैं using my referral code AVEE10. उसमें आपको मिलती है स्पेशल क्लासेस, एंड साथ ही में आपको मिलता है स्पेशल क्लास के साथ आप क्विज़ भी अटेंड कर सकते हो. आपको बस ऐप को इंस्टॉल करना, डिटेल्स डालनी है, लॉगिन करके सेलेक्ट कर देना, इनवाइट कोड मैंने बता दिया.
ये है आपके स्पेशल क्लासेस में जो फीचर्स हैं कि रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आस्कर यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन टैब, आपकी लाइव पोल का ऑप्शन है वहां पर, और ये सब चीजें आपको मिलती है अगर आप ज्वाइन करते हो हमारे साथ। ठीक है जी, आई एम एनीवन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है सर, कैन यू सेंड अ दागुनी विधान मैप देता हूं आज, आई विल सेंड टुडे ऑन द ग्रुप। हां ठीक है, पढ़िए मैंने यूज करा चैट। एनीथिंग एल्स हाय आस्टर। ठीक है जी, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मेक श्योर यू लाइक द सेशन, शेयर इट विद अ फ्रेंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स मी, दैट्स माय टाइम विद यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, कल मिलते हैं बाय द सेम टाइम एट 6 PM, दैट्स मी अभी अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।